दांत ब्रश कैसे करते हैं और दांत ब्रश करने के सिर्फ एक ही मेथड ही होता, तो फर्जी बताएं कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें हम 90 डिग्रीज पे दांतों के ऊपर ब्रश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक कॉन्स होता है, उसमें हम 90 डिग्रीज पे ही पूरे दांतों के ऊपर लार्ज सर्कल्स की सूरत में ब्रश करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आगे स्टेलमेंट आ जाते हैं, आपने इतना स्ट्रॉन्गली नहीं ना करना कि आपके गम डैमेज हो जाए, आपने हल्का हाथ रख के करेंगे तो फिर डैमेज नहीं होगा। ओके, लेकिन जनरली जब हम रेकमेंड करते हैं तो हम ये सारी टेक्निक्स का मिक्सचर रेकमेंड करते हैं ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से साफ हो सके। बेचारा पेशेंट तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इतनी सारी आप टेक्निक्स बता देंगे उसको, तो हम आहिस्ता आहिस्ता वो करेगा तो उसको सब जा देगा। और ये कौन है? ये देखें, ये मेरा भी है, उल्टा पकड़ा हुआ है, ये मैंडिबल है और वो मैक्सिला। लाइट इतनी आ रही है, पीजिएगा क्योंकि ये हमारा पेशेंट है। यार कैंडिड बना लो, मेरे सबसे आने लगी है। मैं बोलूँ क्या? मैं नहीं क्या बोल रही हूँ क्या? कैमरा ऑन होते ही ईमान जो है ना, उसका फेस बिल्कुल चेंज हो गया। क्या बना रही हो तुम? कीड़े मकोड़े? ये ब्लू ब्लू बना रही हूँ। ब्लू ब्लू क्या है ये? ब्लू ब्लू ये सब जो मैंने कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बनाया, वैसा तो नहीं बनेगा, मगर आई विल ट्राई। ब्लू ब्लू का कोई नाम भी होगा यार? ये ब्लू ब्लू है, ये ना ब्लू ब्लू जो है ना, ये ब्लू ब्लू है। मुझे नहीं पता ये क्या है। क्या है ये? हाँ तो मैं पेशेंट तुमसे पूछेगा ये क्या है, क्योंकि ये ब्लू ब्लू है। ट्रस्ट योर डॉक्टर, इतना नहीं पूछते। अच्छा ये ना वो है, वो जो होता है ना उसमें से वो लेते हैं, फिर वो माइक्रोस्कोप में करते हैं, फिर ये बन जाता है। वो मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊँगी। यहाँ पे कट करे मैं याद करके आती हूँ। मुझे भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है यार, मगर क्या करें, ये कीड़े पहले बनाने पड़ेंगे। प्रायोरिटीज इन मेड स्कूल, जब मेड स्कूल में आ जाते हैं अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ें ये ब्लू ब्लू बनानी पड़ती है। ये आपने घर पे क्यों नहीं बनाई? घर पे कौन करता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं घर पे काम करूँगी, यहाँ पे ही करके जाऊँगी, घर पे नहीं बुक्स खोलूँगी मैं। अभी क्या तुम्हें रेड रेड है कि पिंक पिंक है? रेड रेड है मेरे पास, रेड रेड नहीं है, बस पिंक पिंक है। ये क्या? जल्दी जल्दी यार, ये कीड़े मकोड़े बनाने हैं, जल्दी से बनाओ, हाथ हमारी ब्रेक ओवर हो जाएगी। ओके मान, आज हमने क्या किया है बताओ अपने व्यूअर्स को। ये बनाया मैंने, ये देखें, ये क्या होता है, उनको क्या पता ये क्या है? ये है डेंटेड कास्ट। डेंटेड कास्ट, हाँ ये देखें, इतना मैंने प्यारा बनाया। जो आप डेंटल स्कूल में आएंगे ना, तो फिर आप ये करेंगे। ये आपको लग रहा है कि ये वैम्पायर टीथ है ना, कैनाइन ये है। ये मैंने बरीरा के लिए बनाया, जब बरीरा को ज़रूरत पड़ेगी दांतों की तो मैंने पहले रेडी कर लिया। आगे वाले दांत नहीं है, खूबसूरती में इजाफा होगा। ये जो इतना बड़ा गैप, हाँ ये खाली देगा, जब तुम हंसोगी तो ये नज़र आएगा ना, तुम सबसे मुख्तलिफ दिखोगी। मैं इसको मैं पिंक कलर कर दूँगी। ओ माय गॉड, कलर मैं कोड दिखाऊँ। ये भी बनाया मैंने ईमान जैसा यूनिक डेंटिस्ट आपको सिर्फ तो नज़र आ रहा है, इतनी मेहनत का काम। ये भी मिल सकता है बरीरा को, अगर ज़्यादा पैसे देगी, क्योंकि इसके आगे वाले दांत हैं। ओके, ये पर्पल डाई करेंगे हम इसका। हमने अगर आपको कलरफुल डेंचर चाहिए ना, तो ईमान दिल मेरे से कांटेक्ट करें। 1000 का एक डेंचर है, पैसे बता रहे। क्या पता ये ज़्यादा महंगा, तुम सस्ते में देखो। कह रही है सस्ता है, अच्छा 10,000 का नज़ारा कर सकते हैं आप। 10,000 में सब देख सकते हैं, फिर भी कोई नहीं आएगा।
मेरे लिए आएंगे पिंक पर्पल डेंचर्स के लिए मेरे से रब्ता करें ईमान दिल पर। अब बिहाइंड द सीन्स ईमान है और ये मेरी दोस्त बरीरा मेरा ही कास्ट लेके एक्टिंग कर रही है या ये मुझे एक्सपोज कर दिया है ईमान ने। मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत खूबसूरती से बनाया है। बरीरा क्या किया इसमें बताएं? इसको हमने इसके दांत उड़ा दिए आगे से और हम इसको और ज़्यादा क्या कर रहे हैं कार्व कर रहे हैं इसको। ठीक है दूसरा भी दिखाएं। ये ना मैंने बनाए हैं वैसे ईमान ने कि मैंने अपने पहले दिखा दिए थे इसलिए ये ईमान के लेकिन मैं फिर भी एक्टिंग प्यारे वाले ईमान के हैं जो सही है ना वो बरीरा के। अच्छा इसमें क्या किया? और इसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ इसको ठीक करने की। अच्छा तुम्हें समझ आ गई है फिर? देखिए गाइस हमने मोलर्स उड़ा दिए कहाँ गया है? आप देखें ये कितना मुश्किल काम है। हाँ जी ऐसे नहीं डेंटिस्ट बन जाते होते ठीक है ना इतना मेहनत करनी पड़ती है दांत उड़ाने पड़ते हैं और फिर इनको ठीक भी करना पड़ता है। हाँ मेरे कोट ये देखिए बैकग्राउंड नॉइस भी आती रहती है। अभी 1 बज रहे हैं और हम लोगों का लेक्चर नहीं है तो लेक्चर 2 बजे इसलिए 1 घंटे की ब्रेक है। हम लोग फ्री हैं तो हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम लेने के लिए या दो मिनट वही मैं कह रही हूँ बनी पड़ी होती है बहुत मन लगती है उसे। यार तुम दुआ करो फिर इस बार तुम्हारे ज्यादा चॉकलेट चिप निकले ढेर सारे निकले।